अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन पांच खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में 2016 से लेकर 2019 तक सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट और PSL से जुड़ी हर नई खबर आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर पांच पर आते हैं फहीम अशरफ। फहीम अशरफ पाकिस्तान सुपर लीग में 2016 से लेकर 2019 तक 39 विकेट हासिल कर रखी हैं। उनका इकोनॉमी रेट 7.50 है जबकि उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर 19 रन देकर 6 विकेट हैं। नंबर चार पर हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान सुपर लीग में 2016 से लेकर 2019 तक 36 मैचेस खेल चुके हैं। उन 36 मैचों में उन्होंने 20.83 की औसत से 42 विकेट हासिल कर रखी हैं। उनका इकोनॉमी रेट 6.88 है जबकि उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर 8 रन देकर 5 विकेट हैं। नंबर तीन पर है लेग स्पिन बॉलर मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान सुपर लीग में 2016 से लेकर 2019 तक 43 मैचेस खेल चुके हैं। उन 43 मैचों में उन्होंने अब तक 24.27 की औसत से 43 विकेट हासिल कर रखी हैं। उनका इकोनॉमी रेट 6.92 है जबकि उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर 13 रन देकर 4 विकेट हैं। नंबर दो पर हैं फास्ट बॉलर हसन अली। हसन अली ने पाकिस्तान सुपर लीग में 2016 से लेकर 2019 तक 36 मैचेस खेल चुके हैं। उन 36 मैचों में उन्होंने अब तक 18.82 की औसत से 51 विकेट हासिल कर रखी हैं। उनका इकोनॉमी रेट 7.20 है जबकि उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर 15 रन देकर 4 विकेट हैं। नंबर पहले पर आते हैं फास्ट बॉलर वहाब रियाज। वहाब रियाज पाकिस्तान सुपर लीग में 2016 से लेकर 2019 तक 45 मैचेस खेल चुके हैं। उन 45 मैचों में उन्होंने 17.38 की औसत से 65 विकेट हासिल कर रखी हैं। उनका इकोनॉमी रेट 6.76 है जबकि उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर 17 रन देकर 3 विकेट हैं। दोस्तों ये थे वो टॉप 5 बॉलर्स जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट बॉलर का नाम भी जरूर बताइएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।